एक मिनट यार, एक मिनट। अरे पीछे हो जाओ यार, अभी बोला उसने पानी
तो भाई अंदर हो जाना भाई दादा चैनल अरे देखो भाई में सब कोई फर्क नहीं है और उसका भाई में कंफ्यूज होता है कंफ्यूज होता है बहुत कंफ्यूज मानुज अभी तो ऐसा नहीं वो पता नहीं दिखा नहीं था ये हो जाओ बोला नहीं यार मुझे कुछ समझ नहीं तो जाती है तो समझ जगह भाव है ना सेटिंग विसरला चांग चांग
दादा सर 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 मेजर थोड़ा कौन मध्ये आले अरे गाड़ी अरे गाड़ी बसायला काय हरिडू जाणार तो अरे काय माणूस आहे यार सेल्फी घेतो सेल्फी कोणता मी काय केलं पण हे जर माणूस होता सेल्फी मारणार हेमन नाही ना हेमन अरुण अरे अरुण केबल दो ना अरुण केबल दो ना नहीं नहीं अरे यार मैं दादा क्लिक कर रहे बहुत क्लिक कर रहे अरे यार कौन है चला लापा द्या मागे जा सगळे मागे जा चला प्लीज तिकडून विचारा चला प्लीज अब ठीक है आवाज आ रही है पपीता का निधन हो गया लता दीदी के बाद ये बड़ी घटना जो है दुखद हुई है आप आए परिवार से मिलने के लिए सर क्या कहें देखिए ये कोविड के दो बहुत बड़े प्रहार हमारी इंडस्ट्री में पड़े हैं पहले लता जी और फिर हमारे बप्पीदा गुजर गए हैं ये बहुत ही दुख खबरी है और बप्पीदा के लिए क्या कहूँ हमारे तो बहुत फैमिली रिलेशन थे बप्पीदा ने सुलक्षणा पंडित मेरी जो बड़ी बहन है उनको बहुत गाने गवाए थे और मैं बचपन से उनके रिकॉर्डिंग में जाता था बड़े भाई जैसे थे जब काम भी करना शुरू किया तो बप्पीदा का बहुत आशीर्वाद रहता था बहुत प्यार से खुश होकर मिलते थे और हमेशा कोई भी फंक्शन होता था उसमें मेरी पूरी फैमिली आती थी उनके यहाँ दादा का बर्थडे हो या लक्ष्मी पूजा हो सरस्वती पूजा हो या गणपति की पूजा हो बड़ा मिलना होता था उनसे हमेशा जब मिलते थे बहुत ही प्यार से मुझे लगता है जितनी भी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है जितने सिंगर्स हैं जितने कंपोजर्स हैं उन सब के साथ बप्पीदा के बहुत अच्छे रिलेशन थे सबसे बहुत प्यार से मिलते थे और सबको ऐसा लगता था कि बप्पीदा हमारे हैं और ये पूरी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा लॉस है कि बप्पीदा चले गए बप्पीदा को लोग अक्सर बोलते हैं कि ये डिस्को किंग थे मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सुरीले इंसान थे इनके अगर आप सुरीले गाने सुने आप सब सुनते होंगे बप्पीदा के वो गाने कभी ख़त्म नहीं होंगे चलते चलते के या कई पिक्चरें जिनमें किशोरदा ने रोमांटिक नंबर गाए हैं बप्पीदा बहुत ही बढ़िया काम करके गए हैं और बहुत हार्ड वर्किंग थे बप्पीदा बहुत एक ज़माने में तीन तीन गाने उनके एक साथ रिकॉर्ड होते थे अलग अलग स्टूडियो में तो इतनी उनमें पोटेंशियलिटी थी और बहुत ही आराम से आसानी से काम कर लेते थे सिंगरों को बड़े प्यार से गवाते थे मैंने जो सुना है और मेरी सुलक्षणा दीदी के साथ भी बहुत अच्छे उन्होंने खुद गाने गाए हैं और किशोरदा के साथ भी उन्होंने गवाया गाने
वो भी सब गाने बहुत हिट हैं और बबीता के का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्टर्स के साथ है। देखिए जितेंद्र साहब के साथ उनकी पिक्चरें पूरी पूरी म्यूजिकली हिट हैं। बच्चन साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, डिस्को डांसर तो हम सब जानते हैं कि मिथुन दा के साथ कितना अच्छा काम किया, गोविंदा के साथ बहुत लाजवाब काम किया है। तो और ये एक ऐसे कंपोज़र हैं जिन्होंने पूरी एक पिक्चर में पूरे पूरे गाने सुपर हिट दिए हैं। आजकल ऐसा सुनने को नहीं मिलता, एक आध गाना कहीं मिल जाए सुनने को कि बहुत अच्छा है गाना, मगर बबीता में ऐसी काबिलियत थी कि वो पूरी पूरी पिक्चर में सारे सुपर हिट गाने देते थे। बहुत ही महान इंसान थे और बड़ा ही ये शोक का दिन है हम सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू। पारस क्या कर रहा है अभी? एक सेकंड कॉर्डलेस लगा रहा है। तो ये तो एक्टर है ना? हाँ वैसे का जी तोरण का। आगे लो आगे लो पहले। और लो आगे लो। और आगे लो। चलो हो गया वो हम भी आई भी कौन है तो से चल रही है बाकी सब लोग ना कोई नहीं दो आदमी चार लोग नहीं नहीं माझं नाही कसं तुम्ही अमरीतला फोन केला असता पण कॅबिनेट आहे ना म्हणून तिकडे फोन आहे। अरे बाबा मी बघितलं कॅबिनेट ग्रुपमध्ये टाकलं अरे म्हणजे काही टाकायला काय डायरेक्ट बोलू कोण निघत आहे ते काय रे भाई। ओ भाई अरे यार कौन कोई नहीं है वो क्यों छाप रहा है तू तो? मैं वाइट और विश्वास नहीं होता फोन किसका बंद करा बस पप्पी दा का ये फोन बंदा जब यंग बच्चे थे जब टीनेज थे उससे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने यूथ के लिए
क्रिएट किया। बहुत से लोग होते हैं कंपोजर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने हमेशा म्यूजिक यूथ के लिए क्रिएट किया। जब इस उम्र में भी वो आज थी, उन्होंने सिर्फ यूथ के लिए ही म्यूजिक क्रिएट किया। इस तरह का म्यूजिक क्रिएट करना जिसमें बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी थिरकता है और डांस करता है, उनको ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूजिक क्रिएटर थे। बप्पी दा का इस तरह से जाना किस तरह का तथ्य है, ये एक तरफ कहते हैं मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा ये क्या करके आप बोलते हैं, क्या बोला आपने, कभी अलविदा ना कहना और चले गए, इस क्या मतलब इस अलविदे का, हमको समझ में नहीं आ रहा। वी आर वेरी शॉक। मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑल द वे 3 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे इनके दर्शन के लिए पहुँचा हूँ। अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर से शाम को आऊँगा और आप लोग के साथ बैठ के उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार, भगवान उनकी आत्मा को शांति। थैंक यू सर। भाई दादा क्या कर रहे हो, दादा हट जाओ ना साइड। अरे तेरी दादा का भाई। अभी तो उधर रुक के क्या करोगे, थोड़ी देर देखने के बाद भाई जाने दो। हिमेश सिस्टम में भाई वो है क्या है, जाने दो काम का नहीं है। अरे नहीं रे, मैं वही बोल रहा हूँ। मैडम कुछ बोलना चाह रहे सिंगर है।
ये ना मामले छूट गए हैं। हेलो एक मिनट पढ़ूं देना बोले इतने बाहर में हेलो मैडम पप्पी दाजी जो है आज मुझे ये कहना है कि बहुत दुख हुआ मन को जिनके किले में मैं गई पप्पी दा का घर वहाँ वो इतनी शान से बैठे रहते थे उनको लेटे देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। सालों का रिश्ता रहा है पप्पी दा तो सारी प्रेस जानती है कि पप्पी दा जो है वो डिस्को किंग थे। उनके सारे रात को उनका लड़का आने वाला है लड़की बेहाल है और दादा आपको ऐसे देखना पड़ेगा जैसे से बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए क्योंकि 69 के थे दादा। तो अभी मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि दादा को प्रेस बहुत पसंद थी। दादा प्रेस को प्यार करते थे। उनके घर में अभी कोई बोलने लायक है नहीं क्योंकि उनका सबके ऊपर इतना बहुत बड़ा एक दुख पड़ा है तो सारी दुनिया जानती है कि दादा क्या थे। तो मैं दादा की तरफ से आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप उनके प्यार में इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए वो होते तो बहुत खुश होते। थैंक यू और क्या कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। थैंक्स थैंक यू। आज आज एक बड़ा ही दुखद दिन है हमारे लिए पूरे देश के लिए आप सबके लिए। दादा को आप सब इतना प्यार करते थे पूरा देश प्यार करता था। दादा ने पूरे देश को एंटरटेन किया है पूरे विश्व को एंटरटेन किया है। आज बड़ा ही दुखद दिन है कि दादा हमारे बीच नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद दिन कुछ नहीं है। हम हमारे परिवार के लिए किसी के लिए कल रात को क्या है दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे मतलब 3 वीक से पर घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद कल खाना भी खाया 9:30 बजे मदर ने मदर इन लॉ और रीमा से खाना खिलाया पर खाना खिला के आधा घंटे के बाद ही उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर घर पे भी आया पर डॉक्टर ने सिटी स्कैन किया तो उसमें बड़ा ही पल्स रेट बहुत कम हो गया था। फिर हॉस्पिटल लेके गए पर 11:44 पर डॉक्टर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नो मोर। तो बड़ा ही दुख और बड़ा ही वैसा छड़े हम सबके लिए आपके लिए। दादा मीडिया को भी बहुत प्यार करते थे सुबह से हम मीडिया ने इतना प्यार दिया कि दादा को वर्ल्ड का नंबर वन भी बनाया। बड़ा ही दुखद दिन है। थैंक यू धन्यवाद। पप्पा रात को आज 2 बजे आ जाएंगे तो कल हम लगभग 10 बजे का उनका अंतिम संस्कार कर रखा है पवन हंस में। देखो आप अपने नाना जी के साथ बहुत क्लोज थे
आपकी जर्नी, म्यूजिकल जर्नी उनके साथ शुरू हुई है? बहुत ही दुखद दिन है आज, जो डैडी ने बोला है, दादू मेरे दादू नहीं रहे, उन्होंने मेरा उन्होंने मेरा म्यूज़िक के लिए शुरू किया था, वो मेरा आइडल है, उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था, उनकी वजह से मैं अभी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडल थे, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। और एक नेशनल हॉलीडे अभी बन जाएगा जिनका नाम होगा लाहिरी जयंती, उनके नाम पे होगा। ये बहुत बहुत दुख बड़ी खबर है मुझे, तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे दादू नहीं रहे। थैंक यू। अरे वही तो मैं, तो आपने किसको क्या कर रहा है, बोला फिर भी फोटो नहीं ले रहा अरे तुम पूरा बताओ ना क्या है, क्या ही आउटपुट है ना, चलिए सही है, सही है अनिल तिवारी तेरे को। साक्षी जी बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम लोग तो जब से स्कूल कॉलेज में थे तो दादा के गाने गा गा के बड़े हुए हैं, दादा के गाने स्टेज पे हमने कितनी बार गाए हैं, आज भी यही दादा से कहेंगे कि चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना दादा। और दादा के साथ हाल ही में मेरा सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए हुआ क्योंकि दादा के जो टॉर्च बेरर हैं, जो फ्लैग बेरर हैं, दादा के जो नाते हैं, मतलब उनकी बेटी के बेटे रेगो बी, जिनको मैंने लॉन्च किया और जिसका म्यूज़िक मैंने किया, बच्चा पार्टी चालू है, दादा ने अपने आँखों के सामने जाने के पहले उसका सक्सेस देख लिया, अपने अगले बप्पी लहरी को उसमें देख लिया और जाते जाते एक अगला बप्पी लहरी अपने ही फैमिली से इस दुनिया को दे दिया। आई थिंक इससे और बड़ी बात नहीं है, ये उनका विजन रहा होगा, उन्हें शायद पता होगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि जाने के पहले वो इस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए चले गए। एंड आफ्टर दीदी दादा, आई थिंक फरवरी 2020 इज़ द वर्स्ट मंथ
not only for the music industry, but I think for all music lovers around the globe. Very sad day in the field of music, in the music world, and upra upri 10 dinon ke andar do bahut दिल को दुखाने वाले ऐसे घटनाएं घटी हैं। बापी दा बहुत ही वरिष्ठ और इज्जत वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी हम सब बहुत कदर करते थे। हालांकि मुझसे 2 साल छोटे थे, मगर अपने काम और अपने कला के ज़रिए इतने महान थे, इतने महान हमेशा याद किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुकेश परिवार की ओर से मुझे जीवन में बहुत एक बात की खुशी है कि उनके जीवन का सबसे पहला गीत मेरे पूज्य पिताजी मुकेश जी ने ही गाया था, और मैंने भी, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उनके लिए गा सकूँ। मगर पापा, उनके पिताजी अपरेश दा के बड़े अच्छे मित्र थे, और बापी दा का के जीवन का सबसे पहला गीत पापा ने ही गाया था, और मैं उनकी आत्मा के लिए शांति चाहता हूँ। आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, हंसमुखा इंसान और बहुत स्नेह और प्यार वाला इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा, मेरी ओर से शुक्र। बपीदा के जाने का बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, और बैक टू बैक जैसे नितिन भाई ने कहा है कि हमारे हिंदुस्तान के संगीत की अजमत लता दीदी गम में खोया है, और आज बपीदा गोल्डन मैन, उनके जो सोना जो नज़र आता था बाहर पहना हुआ, वो उनका दिल उस गोल्ड गोल्ड की जरा आगे झलकता था। बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दिल में कोई छल कपट किसी के लिए नहीं था, बहुत प्यारे इंसान थे, दिल के भी हार्टेड थे, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, उनका अच्छा योगदान रहा है, और मुझे स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। तकरीबन मैंने 60 सॉन्ग्स उनके साथ गाए, उनके बप्पी दा के म्यूज़िक में,
और अच्छे अच्छे पॉपुलर गाने हैं, गोरियाँ कलाइयाँ, दुला दे मुझे हरी, साजन आ जा रे, बंधन टूटे ना, बहुत प्यारे मुझे नगमे दिए और बहुत चाहते थे। और अच्छे गाने दिए मुझे, जैसे आना जाना लगा रहेगा, बहुत अच्छे गाने दिए मुझे। खैर मैं गाने के बारे तो आप सब सुनते हैं मेरे गाने, लेकिन ये है कि बप्पीदा अचानक यहाँ से हम सबको सदमा देगा एकदम से, अचानक उनकी विदाई हम सबको सदमा देगी। और हम सब मिलके इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि मालिक इनकी आत्मा को शांति दे, और इनके बच्चे जो बेटी हैं उनको देख के आए उसके बुरे हाल हैं, उनको भी साथ तो ना दे, उनको हिम्मत दे इस सदमे में उभरने की, भाभी को हिम्मत दे। और मैं तमाम संगीत प्रेमियों की तरफ से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उनके बेटे के बारे में सुना है वो कल तक आ जाएंगे USA। अंदर बातचीत चल रही थी, 11:30 बजे कल उनका अंतिम संस्कार होगा। थैंक यू। किया यार, उनको खराब।